उसके लिए आपको ये एजुकेशन डालनी बहुत जरूरी है। देखा किसी भी एज पर नहीं हुए, हमेशा दाढ़ी और बाल ही होते हैं, यहाँ बॉम्ब लगता है, यहाँ शेविंग जेल लगता है, यहाँ पर स्टेजेस लगा दी आपको। और जब तक ये धुआं निकलना बंद ना हो जाए लगाओ उसको। और ये क्या है, हम लोग जो जेल है ना उसको बालों के अंदर लॉक कर रहे हैं, तभी हमारे बालों में चमक आएगी, तभी हमारे बालों में चमक आएगी। जस्ट वॉच, जस्ट वन लेंथ, वन लेंथ। हमें बालों पे ग्रे कवरेज करना हो, पता में क्या करना पड़ेगा, हमें पिगमेंट्स को निकालना पड़ेगा, नेचुरल पिगमेंट को निकालना पड़ेगा। जिसके लिए सारी कंपनी क्या यूज करती हैं, ब्लीच बेस। और ब्लीच बेस क्या होता है ये सुनते हैं, ये होता है अमोनियम कार्बोनेट। आपने देखा मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ग्रे बाल सेपरेट नजर आते हैं, सही? पता इसका रीजन क्या था, जैसे मॉइस्चर निकला, पिगमेंट निकला, हमारे बाल पतले हो गए और जो सीधे थे ना वो ऐसे क्रिंकी हो गए, तो जिसके भी ग्रे बाल है वो सेपरेट निकल जाते हैं, इसी वजह से मेरे बालों में स्टाइल नहीं आता है। अभी मैं इसको ऐसे करूं, जेंट्स करते सबसे मुश्किल चीज क्या है, गाइडलाइन क्या बोलता है, लंबा पीस गाइड क्या बोलता है, छोटा पीस नहीं, हमें बनानी है बैलेंस गाइडलाइन। वो कैसे बनती है सुन लो, ब्लड के लिए भी सेम है, बैच के लिए भी सेम है, बुद्धि यहां से सुन, लोअर ईयर, अपर शोल्डर, इसका सेंटर, बट कंडीशन क्या है कि अगर आप इसको ऐसे करोगे ना ये इतने छोटा कट जाएगा। मैं क्लाइंट पता क्या बोला, आपने मेरे बाल छोटे कर दिए, तो इसको बचाने के लिए आपको पहले इसको आगे करना पड़ेगा, लोअर ईयर, अपर शोल्डर, इसका सेंटर देख लो, और कहां काटेंगे,
नेक देखो ना, इसका सेंटर और फिंगर की डायरेक्शन सीधी है। इसको हमेशा सीधा काटना, कभी इसको यू शेप में मत काटना। जस्ट वॉच वॉच, अब लग रहा है बाल छोटे हो गए, लेकिन जैसे मैंने इसको नॉर्मल किया बाल छोटे। आज हम लोग हैं लक्ष्मी नगर एकेडमी में, जो पिलर नंबर 57 के पास में है। और ये कितनी पुरानी हमारी एकेडमी है, आई थिंक दिल्ली की ओल्डेस्ट एकेडमी है। कितने साल हो गए सीमा को? 9 years. इस 9 साल में हम लोगों ने कितने स्टूडेंट को ट्रेन किया है? नहीं, अंदाजन नहीं ज्यादा होगा मुझे लगता है। 9 साल के अंदर मुझे लगता है कि शायद 1000 के करीब स्टूडेंट होंगे। इसका मतलब पता क्या हुआ, इस एकेडमी की वजह से इस कंट्री के 100 घर चल रहे हैं। देखा हमारी कैची की पावर। और अगर एक घर में 3 लोग रहते हैं इस कंट्री के, 3,000 लोगों का घर हमारी कैची की वजह से चल रहा है, हमारी इस एकेडमी की वजह से चल रहा है। और जिसके लिए मेहनत किसने की है,